एक छोटे से इंसान के लिए इतना सब होना भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। और मैं तहे दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ इस चीज़। मतलब बोलते ना, इतनी मोहब्बत के साथ बैठ गया कि मैंने बस ठान ली कि मुझे इस्लाम कबूल करना है। शाहों के शाह है सुल्तान भी, पीरों के पीर है मेरे नबी। पर वो कहते ना, जब आपने खुदा को चुनी लिया है तो अपने खुदा पे भरोसा भी कर लो। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने खुदा पे भरोसा करती हूँ। तो आज हमारे साथ मौजूद है टिकटॉक स्टार ज़ारा एमएस, जिनके कई लाखों फैन है टिकटॉक पे। तो आइए बात करते हैं उनसे और जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में और उनकी लाइफ के स्ट्रगल के बारे में। तो ज़ारा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, बहुत बहुत खुशी हुई आप आए। तो ज़ारा जी, अभी हम जानना चाहेंगे आपसे कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, आपने कब स्टार्ट किया ये टिकटॉक पे? टिकटॉक जब म्यूज़िकली था तभी से मैं अपने वीडियोज़ वगैरह अपलोड कर रही थी, और मेरे दो वीडियोस ऐसे भी थे जो बहुत ज़्यादा वायरल हो गए थे, बट कुछ फैमिलीज इश्यूज़ की वजह से मुझे वो वीडियोस डिलीट करने पड़े, और वहीं से मैंने म्यूज़िकली बंद भी कर दिया था। फिर उसके बाद म्यूज़िकली टिकटॉक हो गया, तो अभी दो तीन महीने पहले ही मैंने वापस से उसे रीओपन किया और मैंने अपने वीडियोज़ अपलोड करना शुरू किए। वो तो मैं अपने खुशी के लिए वीडियोज़ अपलोड कर रही थी, बट मुझे नहीं पता था कि अल्हम्दुलिल्लाह इतने फ़ैन फॉलोइंग्स इतनी जल्दी हो जाएंगे और इतना सारा प्यार देंगे मुझे लोग और इतने सारे लाइक्स आएंगे मुझे। तो जानना चाहेंगे कि आपने टिकटॉक क्यों बंद किया था? मैंने कहा ना, मेरे दो वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हो गए थे, तो एक छोटा सा फैमिली इश्यूज़ था, वो भी इसीलिए क्योंकि उसमें हमारे घर के बच्चे थे, तो बहुत ज़्यादा यहाँ वहाँ से कॉल्स वगैरह आने लगे थे। तो घर वालों ने मुझे ये ऑब्जेक्शन नहीं रखा मुझ पर कि मैं टिकटॉक बंद कर दूँ। उन लोगों का बस इतना कहना था कि मैं वो वीडियोज़ डिलीट कर दूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गए थे, और ऑब्वियसली मुझे वो बात सही भी लगी। तो वहाँ से मैंने अपना म्यूज़िकली बंद किया, फिर जब टिकटॉक आया तो मैं फिर अल्हम्दुलिल्लाह एक मुकाम पर हूँ। कि आप बहुत अच्छी नात भी पढ़ती हैं आपकी आवाज़ में, तो मतलब कहाँ से सीखी नात पढ़ना? अल्हम्दुलिल्लाह, नात मैं लिख भी लेती हूँ और पढ़ना, अगर मैं कोई भी नात को दिल से एक से या दो बार मैं उसे सुन लूँ तो अल्लाह ने इतना, मतलब एक गॉड गिफ्ट जैसा है वो, कि मैं इतने अच्छे से उसको पढ़ लेती हूँ और इतने जज्बात के साथ। पता नहीं, वो कहते ना कि अगर नबी की चाहत हो तो आवाज़ बाबुलंद निकल ही जाती है। कि आपने धर्म परिवर्तन किया है, तो क्या है इसके पीछे, क्या वजह है, क्या है पूरा? वजह कुछ नहीं, वजह ऐसी कुछ नहीं है, बस एक मन की एक श्रद्धा की बात होती है। इस्लाम को मैं कब से चाहने लगी मुझे खुद को भी नहीं पता चला, बस कहते हैं ना कि मेरा दिल पहले से ही इस्लाम में था, बस आने में देर हो गई। मतलब कैसे इसमें आना कैसे हुआ, क्या मतलब कुछ ऐसा कोई चीज़ ऐसी पसंद आई होगी या आने के बाद आपको और क्या प्रॉब्लम हुई फिर? बस जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल का ज़िक्र होता था तो मैं अपने आप सब कुछ भूल कर उस ज़िक्र को सुनने लगती थी, और वो मेरे अंदर इतनी मतलब बोलते ना, इतनी मोहब्बत के साथ बैठ गया कि मैंने बस ठान ली कि मुझे इस्लाम कबूल करना है। तो इसमें आपका सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया? किसी ने नहीं, मैं खुद के लिए उस वक्त अपने लिए ही एक सपोर्ट थी। तो लाइफ का वो लम्हा जहाँ आप बहुत डिप्रेशन में चले गए, यहाँ मतलब एकदम मायूसी एकदम? हाँ, मतलब घर वालों को मंजूर नहीं था, ऑब्वियसली कैसे मंजूर होगा, कोई भी घर वाले नहीं चाहेंगे कि अपना धर्म छोड़कर, अपने कास्ट को छोड़कर कोई दूसरे कास्ट में जाए, कोई भी धर्म हो। देखिए, रिस्पेक्ट तो हर कोई एक दूसरे के रिलीजन को देते ही है, बट उसको अपनाना कोई घर वाला नहीं चाहेगा। बट ये मेरी खुद की बात थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मेरा हक है कि मैं जो धर्म चाहूँ उस धर्म को अपना सकती हूँ, तो बस इसीलिए वो मैंने अपना धर्म, जो मुझे सही लगा मैंने उसे अपनाया। कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि जो दोस्त होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, वो एक ढारस होते हैं, एकदम एंड मोमेंट पे वही काम आते हैं। मैं ये सुनाई में आ रहा है कि आपको वो भी साथ छोड़ देते हैं, इसमें क्या कहना? हाँ, ये सही बात है, बट अभी अल्हम्दुलिल्लाह जब अल्लाह का साथ हो तो किसी की साथ की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह ने मुझे बहुत 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 साथ दिया है। मैं जब अपने घर से निकली तो मुझे ज़रा भी नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मेरा ठिकाना कहाँ है, मैं क्या करने वाली हूँ। पर वो कहते ना, जब आपने खुदा को चुनी लिया है तो अपने खुदा पे भरोसा भी कर लो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने खुदा पे भरोसा करी और आज मैं एक ऐसे घर में हूँ जहाँ मेरा शौहर है, मेरा बच्चा है, और बहुत सारी इज्जत, बहुत सारी मोहब्बत है, और मेरे अपने भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और मेरी सास वो तो मेरी जान है। तो इस वक्त आपका सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन करता है, जितना आपको आ गया ना, मैं आपको इतनी मदद मिली है, कौन है वो?
मेरे शौहर है, बेशक मेरे शौहर, क्योंकि एक बीवी के लिए उसके शौहर का हाथ ही सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। जो मेरे शौहर ने मुझे इतना सपोर्ट किया है, मैं तो तहे दिल से उनका शुक्र अदा करती हूँ। और किसी की ज़रूरत ही नहीं है, जब शौहर अपने साथ है तो क्या टेंशन है। तो अभी बात करते हैं टिकटॉक वीडियो, जो वीडियो बनाते हो कितना टाइम लगता है, कैसा वीडियो, मतलब क्या कॉन्सेप्ट सोच के क्या बनाते हो? मैं कोई कॉन्सेप्ट नहीं सोचती हूँ, बस जो वीडियोज़ मुझे अच्छे लगते हैं मैं उस पर बना लेती हूँ। और हमेशा मैंने अपने हाथों से ही अपने वीडियोस बनाए। मैंने स्टैंड लाया, मैंने क्या नहीं किया कि मैं टिकटॉक इस तरह से बनाऊंगी, ये स्टैंड रखूंगी, वो स्टैंड, बट जो मैं अपने हाथों से वीडियो अपलोड कर लेती हूँ, अपने हाथों से बनाकर, वो मैं कोई स्टैंड वैन पे तो नहीं हो पाता है। और मेरी वीडियोस अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी आती है। पहले की लाइफ में और अभी की लाइफ में लाखों फ़ैन होने के बाद कुछ ना कुछ तो फ़र्क आया होगा ज़रूर। जी, काफ़ी फ़र्क आया है। मतलब बाहर जाओ तो फैंस देखते हैं, पहचानते हैं। और अरे ये ज़ारा एमएस है, ज़ारा एमएस जी आपने कमेंट बॉक्स क्यों बंद रखा है, मतलब सेल्फी वगैरह लेते हैं, तो इतनी खुशी होती है कि मतलब एक बचपन का सपना इस तरह, मतलब देखिए एक छोटे से इंसान के लिए इतना सब होना भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। और मैं तहे दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ इस चीज़ की। तो आपके अभी लाखों फ़ैन भी है, तो आप फ़ैन को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? बस मेरे फैंस लोगों के लिए तो मेरी यही मैसेज है कि आप लोग जिस तरीके से मुझे सपोर्ट कर रहे हो, मुझे इतना प्यार दे रहे हो, और इतनी जल्दी आप लोगों ने मुझे इतना आगे पहुंचाया है, बस तहे दिल से आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इसी तरह मुझे आप लोग प्यार देते रहिए और मुझे इतने आगे पहुंचा दीजिए कि मैं आप लोगों से रूबरू मिल सकूं। तो आपका इंस्पिरेशन कौन है? मेरे हस्बैंड और मैं खुद भी। अच्छा, तो अभी टिकटॉक से कुछ कमाई उमाई होती है? अभी तक तो नहीं, पर हाँ लाइव जाती हूँ तो काफ़ी फैंस मेरे जो सऊदी में, दुबई में हैं, वो लोग मुझे मतलब मैं मुझे फरमाइश करते हैं इस पे वीडियो पे कि प्लीज़ एक नात मैम, ये वाला नात मैम, वो वाला नात, और मैं उन लोगों के लिए नात पढ़ते रहती हूँ, तो ऐसे पांडाज आना शुरू हो जाते हैं, फिर ड्रामा क्वींस ही वो, तो उसके ज़रिए मैंने बहुत सारे डायमंड्स इकट्ठा कर लिए हैं टिकटॉक पर, जो कि वो डायमंड्स अगर इकट्ठा हो जाए तो उससे एक कैश रिवर बनता है, तो वो आप जब अच्छा कैश अमाउंट हो जाए तो आप जाकर उसको निकाल सकते हो। अपने फैंस को तो नात सुनाई देवी, हमको भी थोड़ा एक दो नात थोड़ा। जी क्यों नहीं, आप बोलिए आपकी कोई फरमाइश है तो नात की। कोई सी भी आप सुना दीजिए, आपको मतलब आपकी फेवरेट हो या जहाँ से आप स्टार्ट करें पहली नात, वो ना सुना दिए वो अच्छा रहेगा। मेरी खुद की लिखी हुई नात है, सुना देती हूँ। शाहों के शाह है सुल्तान भी, पीरों के पीर है मेरे नबी, तारीफ क्या मैं करूं कमली वाले तेरी, तारीफ क्या मैं करूं कमली वाले तेरी। एक लाइन पढ़ देती हूँ अगर आपकी इजाजत हो तो। वो बगदाद से मदीना का सफर हो सुहाना, दिल में इश्क मोहम्मद और लब पे हो नाते तराना, झोली तुम भर देना दर पे तेरे आए हैं मेरे आका नबी, तो बोलो तारीफ क्या मैं करूं कमली वाले तेरी। माशाल्लाह आवाज़ भी बहुत अच्छी है, इसी तरह आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बस बस इसी तरह आप लोग दुआएं दीजिए, इसी तरह प्यार दीजिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन कोई ऐसे मुकाम पर पहुंचकर अपनी नात सुनाऊंगी कि सारी दुनिया देखें। बस इंशाल्लाह ज़रूर। तो बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का भी तहे दिल से शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया।